वेलकम बैक। आई एम योर धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे बच्चे, एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे छोटे बच्चों का भी डिमांड है, बड़े बच्चों का भी डिमांड है कि सर हैंड राइटिंग नहीं सुधर पाता, सर लिखें कैसे, सर कहाँ लिखें, लेटर ऊपर नीचे जिगजैग हो जाता है, सर यहाँ लिखते हैं यहाँ समाप्त होता है। मतलब किसी बच्चों का डिमांड है कि जैसे मान लो ये पेज है, राइट, तो बच्चा कहता शिकायत क्या कर रहा है कि यहाँ लिखता हूँ तो ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, सीधा नहीं हो पाता। कुछ बच्चे का कहना है कि सर जब हम हैंड राइटिंग करते हैं, जब हम राइटिंग करते हैं तो कुछ भी, जैसे मान लो एप्पल लिखना है तो एप्पल कभी ऐसे लिख देते हैं ऐसे हो जाता है, कभी लिखते हैं तो ऐसे हो जाता है, कभी लिखते हैं तो कुछ ना कुछ जो है, मतलब उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ कंसेप्ट गलत हो जाता है। तो यहाँ पे सीखना ये है कि जब भी आप, अगर आपका बैकग्राउंड, आपकी राइटिंग बचपन में स्कूल में नहीं सिखाई गई है, तो आप राइटिंग आज और अभी से सीखने का प्रयास करें। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से चलो कि जैसे मान लेते हैं कि आपका जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट, तो अल्फाबेट में आप राइटिंग जब करते हो, राइटिंग करते हो तो एक आपको पता है ना कि कैपिटल लेटर्स होते हैं, राइट, एक आपके लेटर जो होते हैं स्मॉल लेटर्स होते हैं, ठीक है, और तीसरा होता है कर्सिव बोलते हैं, हम राइटिंग कर्सिव में करते हैं। तो जो कैपिटल लेटर है उसको आप क्या बोलते हो, ए बी सी डी, इस तरह से आप बोलते हो। जो स्मॉल लेटर है ए बी सी डी, स्मॉल या कर्सिव, मैं इसी को कर्सिव बोल दे रहा हूं, ठीक है बच्चे। तो स्मॉल लेटर कर्सिव लेटर कहो, कैपिटल लेटर। अब प्रश्न उठता है कि सर लिखा कैसे जाए, तो ये तो पता है आपको कि एक कैपिटल हो गया, दूसरा कर्सिव या स्मॉल हो गया छोटे लेटर, राइट। तो स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं, बेसिकली वो कर्सिव ही होता है जिसको हम राइटिंग करते हैं। तो बेसिकली मैं बात करूं तो यहां पे आपको समझाने के लिए मैं सिखाऊं आपको कि जब भी किसी चीज को राइटिंग करनी हो तो आप क्या सुधारो वो ध्यान दो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, पहला टिप्स ध्यान रखो, पहला टिप्स, मैं आपको टिप्स दे रहा हूं फॉर राइटिंग स्किल्स के लिए। आप क्या करो कि आप अपने घर में चार लाइन वाली एक कॉपी ले आओ, चार लाइन वाली, आप बचपन में पढ़ते होंगे ये चार लाल पीले रहते हैं उसमें, आपको याद आ रहा होगा, है ना, चार लाइन वाली देख रहे हो, यस, इस तरह की आप एक कॉपी ले आए, क्लियर। तो एक दो तीन, एक दो तीन चार हो गए। अब क्या करना है कि जो भी कैपिटल लेटर होते हैं, ध्यान देना बच्चे मेरे वर्ड पे ध्यान देना, जो भी कैपिटल लेटर्स होते हैं उनको आप ऊपर के तीन लाइनों में लिखो, इस तरह से, जो भी कैपिटल लेटर्स हैं ऊपर तीन लाइनों में, ठीक है। तो जो भी कैपिटल लेटर्स हैं ऊपर के तीन लाइनों में, जहां तक जा सकता है वहां तक आप लिखें। तो कैपिटल लेटर ऊपर के तीन लाइनों में, अब आप समझोगे कि सर ये चार लाइन वाली आप नहीं आती कॉपी, कोई बात नहीं, जो भी आप मान लो प्लेन पेपर पे ही राइटिंग कर रहे हो, डोंट बोदर, आप बस ध्यान होना चाहिए कि भाई ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा वो हमारा होगा कैपिटल लेटर, क्लियर। तो कैपिटल लेटर हमेशा ऊपर लिखने का प्रयास करें, नीचे नहीं आता, क्लियर। अब आप ध्यान दें, तो कैपिटल लेटर चाहे छपाई के हो, चाहे प्रिंटिंग किया गया हो, चाहे राइटिंग करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, हमेशा ऊपर के तीन लाइनों में आप लिख कर देखो, आपके हैंड राइटिंग ब्यूटीफुल हो जाएंगे, खूबसूरत हो जाएंगे और आप अच्छे नंबर पा सकते हो। आप टेंथ में पढ़ते हो, नाइन्थ में पढ़ते हो, इलेवेंथ में पढ़ते हो, या आप कॉलेज स्टूडेंट हो, जो स्टूडेंट आप हो, आप बेहतर तैयारी कर सकते हो। अब आप देखते हैं राइटिंग का पैटर्न, सेकंड टिप्स, ये टिप्स वन था, टिप्स टू की बात करें। अब टिप्स टू की बात करें, अभी हमने लाइन खींचा, आप बस देखते चलो बेटा, मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे आपकी राइटिंग अच्छी हो जाए, ठीक है। टिप्स नंबर टू, तो हमने बात किसी करी थी कैपिटल लेटर की, तो कैपिटल लेटर हमेशा ऊपर के तीन लाइन में लिखा जाएगा। अब रही बात जो कर्सिव राइटिंग है, वो कर्सिव क्या, तो कर्सिव में दूसरा टिप्स है, एफ एक ऐसा वर्ड है एफ, जो चार लाइनों में लिखी जाती है, एफ, जब भी आप राइटिंग करो तो एफ जो लेटर है वो चार लाइनों में लिखी जाती है, यानी एफ एकमात्र ऐसा लेटर है
26 में, जितने भी 26 हैं जो वर्णमाला हैं, इस 26 में आपके जो एफ लेटर है ये चार लाइनों में लिखी जाती है। इसके अलावा अब ध्यान दीजिए, इसके अलावा जो लेटर आपके ऊपर जाते हैं, जैसे आप बोलते हो ना ए बी, बी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो जब भी हो तो उस बी को आप ऊपर के तीन लाइनों से टच कराएं। जैसे आप लिखते हो बी, राइट, उसके बाद सी डी, डी जा रहा है, देख रहे हो सी डी ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच जा रहा है, तो जो भी लेटर आपको ऊपर जा रहा है एक एल जाएगा और दूसरा टी जाएगा। तो जो लेटर ऊपर की तरफ जा रहा हो ऊपर के तीन लाइनों में, क्लियर, और जो लेटर मैं नीचे सामने लिख रहा हूं, जो लेटर नीचे जा रहा हो, जो लेटर नीचे जा रहा हो वो नीचे के तीन लाइनों में, जैसे क्या क्या हो सकता है, जी आप कर सकते हो, जे आप कर सकते हो, पी आप कर सकते हो, क्यू, ठीक है बच्चे, आप कर सकते हो वाई। तो जो नीचे जाने वाले हैं वो नीचे की तीन लाइनों में, तो जो भी लेटर आपके हो वो नीचे के तीन लाइनों में, और बाकी जितने भी बच गए, बाकी जितने भी बच जा रहे हैं वो सारे लेटर को आप बीच वाले में आप लिखने का प्रयास करें। मैं दिखा रहा हूं आपको, आप इस वीडियो को दो बार तीन बार चार बार देखें। अब बाकी जितने बच गए, जैसे बच गया तुम्हारा ए, बच गया तुम्हारा सी, बच गया तुम्हारा जो भी छोटे पार्ट बच गए, जो भी है ई बच गया, आई बच गया, जो छोटे पार्ट हूं, एम एन ओ, तो जो भी छोटे पार्ट बच गए वो सब के बीच वाले में हम लिखते हैं। इससे होगा क्या, जैसे मान लेते हैं कि आपको एप्पल लिखना हो, जैसे कोई भी लेटर कुछ भी लिखना हो, तो आप सबसे पहले आप कल्पना करें कि आपके पास चार लेटर वाली, चार लाइन वाली आपके पास कॉपी है, और इस चार वाले कॉपी में आप लिखने का प्रयास कर रहे हैं, इसके थ्रू आप सीखने का प्रयास करें। जैसे मान लो आपने एप्पल, तो एप्पल क्या है, बड़ा लेटर, तो हमने इसमें लिख दिया एप्पल, ए हो गया। अब ए के बाद पी कहां जाना है, ऊपर, है ना, एल ई ए डबल पी एल ई एप्पल। तो यहां ने बात करा एप्पल की, तो जब भी हो तो हम लोग जो ऊपर जाने वाला ऊपर करेंगे। अब जैसे मान लो बुक, बुक, तो जो पार्ट जाने हैं आप प्रयास को लिखने का, आप आसानी से किसी चीज को आप लिख सकते हो। तो कोई भी लेटर हो, आप मान लो हमें लिखना है राम इज अ गुड बॉय, तो हमने राम ऊपर लिखा, राम इज अ गुड बॉय, तो जो ऊपर जाना ये तीनों में जाना है। यहां पर गुड नीचे आया तो नीचे तीन लाइन टच कराना है, डी जाना है ऊपर और बाय जाना है नीचे। तो आप ये ध्यान देना है कि जो बीच वाले लेटर हैं, ये बीच वाले जो होते हैं, जो छोटे होते हैं, वो बीच वाले लाइन में कैरी कर जाते हैं। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, जो नीचे वो नीचे। इससे क्या होगा कि आप एक लेटर से दो लेटर को जब जोड़ोगे तो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। मान लो कहना है कि माई मदर, माई मदर हैज अ ब्यूटिफुल अम्ब्रेला, तो जो चीज देखो ऊपर जाना है तो ऊपर उसको ले जाते हैं, नीचे आना है नीचे ले जाते हैं, तो इस तरह से आपकी राइटिंग बेहतर हो जाएगी। ये आप जैसे बच्चों की डिमांड पर हमने इसको देने का प्रयास किया है, इसको सीखिए और उन छोटे बच्चों को रेफर करिए जो ये बच्चा सीखना चाहता है, जिनकी राइटिंग नहीं हो पाती। आप अगर बड़े देख रहे हो तो आपसे निवेदन ये है कि आप इस वीडियो को आराम से सीखिए। अगर आपकी राइटिंग टेढ़ा मेढ़ा होता हो तो एक लेटर से दूसरे लेटर को जोड़ने का प्रयास करें, आप बेहतर करिए। हमेशा उम्मीद है कि आप इसको बेहतर सीख पाएंगे, और जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि और राइटिंग कैसे इंप्रूव किया जाए। आप कोशिश करेंगे तो आपका हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को शेयर करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।